डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी किया, हमने देखा कि कौन कौन से मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। हमारे पास में जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चेंज होता है, मेमोरी एड्रेसेस बढ़ते जाते हैं, हमारा प्रोग्राम उतना ही छोटा होता जाता है, बट इंटरनल प्रोसेसिंग जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है और आउटपुट थोड़ा सा स्लो आपके पास में आता है प्रोसेसिंग के बाद में। नाउ स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर्स के इनसाइड कंटेंट की चेंजिंग होती रहती है और जो भी स्टेटस होता है फ्लैग्स का वो भी चेंज होता रहता है। तो आज हम रजिस्टर कंटेंट एंड फ्लैग स्टेटस आफ्टर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर को कंसीडर कर रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और इनिशियल कंटेंट है जो हमारे पास में रजिस्टर्स में है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 5 रजिस्टर्स को एज्यूम कर रहे हैं। ए और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा सोर्स रजिस्टर है, ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर्स है, ये हमारा कैरी फ्लैग है और ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो आएंगे उनको सेव करने के लिए इन रजिस्टर्स का यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो इस तरीके की हैं। सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है रजिस्टर ए में से ए के कंटेंट को, उसके बाद में ए को बी में मूव करना है, डिक्रीमेंट करना है बी की वैल्यू को, इंक्रीमेंट करना है बी की वैल्यू को, देन अगेन हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में HLT इट मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का एंड करना है। तो किस तरीके से असेंबली में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और रजिस्टर के कंटेंट को किस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है, फ्लैग का स्टेटस किस तरीके का होता है, वो सारी बातें आज हम स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेगी। ईच इंस्ट्रक्शन विल यूज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्टर्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी इंस्ट्रक्शन वन है। इंस्ट्रक्शन वन, जैसा कि आपने प्रीवियस देखा था कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कंटेंट को, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की तो यहां पर हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो यहां पर जो सब्ट्रैक्शन है विद इन द एक्यूमुलेटर हो रहा है, इनसाइड द एक्यूमुलेटर हो रहा है, सारा का सारा डाटा हम एक्यूमुलेटर्स में ही कैलकुलेट कर रहे हैं और वहीं पर सेव हो रहा है। लास्ट में क्या होगा, हम कंटेंट को क्लियर करेंगे, इट इज यूज टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। सब्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब यही है कि वहां से डाटा को आपको क्लियर करना है और इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा रजिस्टर्स का वो फ्लैग इस तरीके का होगा। देखिए, जब हमने डाटा को क्लियर किया, हम यहां पे केवल एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल में कंटेंट हो गया 00, जो हमारा सोर्स है, डेस्टिनेशन के पास में अभी कोई भी डाटा नहीं है, यहाँ पर हमने 0 लिया, 1 लिया, कैरी है नहीं, तो हमने यहाँ पे फ्लैग को 0 कर दिया, कैरी फ्लैग 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, अब डाटा किस तरीके से मूव करेगा सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में, वो हम देखते हैं। इसके लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन 2। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी इंस्ट्रक्शन 2 है, इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो है मूव बी ए। तो असेंबली में हम क्या करेंगे, ए के डाटा को बी में कॉपी करेंगे। दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द कंटेंट फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू द डेस्टिनेशन रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से सोर्स रजिस्टर ए
का कंटेंट डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमने स्टडी की हैं, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है वो हमारी डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। जब भी हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो वहाँ पर कैरी फ्लैग चेंज नहीं होता है। कैरी फ्लैग में कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब हम एडिशन करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें कैरी लेके डिजिट्स को कैरी करना पड़ता है, डिजिट्स को बोरो करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट दिस इज द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सो इट विल नॉट अफेक्ट एनी फ्लैग। ये किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेगी। और आप ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। देखिए, जो हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन देखी थी उसमें हमारे पास में सोर्स रजिस्टर हमारा ये था, ये वाला कंटेंट जो है ए का वो मुझे डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कॉपी कमांड यूज़ होगी, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट इस तरीके का होगा। रजिस्टर ए के पास में भी कंटेंट 00 आ गया, और रजिस्टर बी के पास में भी कंटेंट 00 आ गया। जो हमारे फ्लैग्स थे उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे हमारी इंस्ट्रक्शन 3 पे। देखिए, इंस्ट्रक्शन 3 जो थी उसमें आपको डिक्रीमेंट करना था बी की वैल्यू को। और डिक्रीमेंट किससे करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, मशीन कोड है, बाइनरी इंफॉर्मेशन पे बात हो रही है, तो यहाँ पे 0 और 1 के थ्रू वैल्यू में डिक्रीज किया जाता है। सो वी कैन से दैट दिस कमांड विल डिक्रीज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी आपका कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर जो हमने वैल्यू दे रखी है बी में, वो क्या है हमारे पास में 00। ये हम हेक्साडेसिमल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एच लगा है वो आपका हेक्साडेसिमल को दिखा रहा है। 00 कंटेंट है रजिस्टर के इनसाइड, और जो डाटा हमने लिया है वो हमारा 8 बिट्स का है, 4 बिट्स 4 बिट्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 byte। तो नाउ स्टूडेंट्स, डिक्रीमेंट किस तरीके से होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। मैंने इससे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्स, किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है वो आपको बताया था। नॉर्मली जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और रजिस्टर के इनसाइड जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ पर भी एडिशन ही परफॉर्म हो रहा होता है, बट जो हमारी निगेशन वैल्यू होती है, जो हमारी पैरिटी बिट होती है, वो दिखाती है कि यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, मेरे पास में जो कंटेंट है वो इस तरीके का है, 0000001 से मुझे डिक्रीज करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालूँगा। ये जो है हमारा, ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट है, और 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 की जगह 0 कर दिया जाता है, 0 की जगह 1 कर दिया जाता है। तो 1 की जगह 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 0। नाउ इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास में 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नाउ दिस इज अवर डाटा। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हमें प्लस प्लस 0 करना है। हम डिक्रीमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास में दिस इज एच एंड दिस इज F1F। देखिए, जो 4 बिट्स होती हैं ये आपकी 15 को रिफ्लेक्ट करती हैं, ये आपकी 15 को रिफ्लेक्ट करती हैं, और हेक्साडेसिमल में हम इसको FF से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो B के पास में डाटा है वो आपका FF है। सो FFH, ये 00H को रिप्रेजेंट करेगा, विल बी द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B। तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में डाटा हमारे पास में इस तरीके का होगा। कैरी फ्लैग होता नहीं है सब्ट्रैक्शन में, तो 00FF10 और नॉट एप्लीकेबल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंस्ट्रक्शन 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे रजिस्टर बी में। तो जो हमारे पास में डाटा था उसमें हम क्या कर देंगे,
हमें प्लस वन करना है, तो देखिए वन प्लस वन जब हम करते हैं तो आंसर आता है जीरो और कैरी आता है वन, ये आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। तो वन वन जीरो कैरी वन, वन वन जीरो, यहाँ पे हर जगह पर जीरो आ जाएगा। और लास्ट बिट पे जब हम यहाँ पे प्लस परफॉर्म करेंगे तो ये जो है हमारा एक कैरी बिट चली जाएगी, यहाँ पर एक्चुअल में आंसर आएगा वन जीरो, एंड ये जो हमारी बिट है लास्ट वाली ये हम एज ए कैरी एज्यूम करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास में रजिस्टर बी है उसमें जो डाटा हमारे पास में आया वो क्या था, 0000000। नाउ हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, तो 0000, और जो फ्लैग चेंज हो गए 0 और 1, और कैरी फ्लैग नॉट एप्लीकेबल। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में इंस्ट्रक्शन 5 है, यहाँ पर हम दोबारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। जो हमारे पास में 01 रिजल्ट आया है प्रीवियसली, मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए प्रीवियस का जो रिजल्ट है एज ए इनपुट है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 0 और 1 है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द हेक्साडेसिमल कोड एंड दिस कंटेंट विल बी इनसाइड द एक्यूमुलेटर एंड द डाटा विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 01H। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोबारा 2s कॉम्प्लीमेंट लेना होगा 01H का। नाउ स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट 1s में हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 01 था हमारे पास में तो 01111। नाउ अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 2s जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 1 को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सा 110 हो जाता है, कैरी वन चला जाता है। यहाँ पे 1 1 क्या किया, 0 और 1 1 हो गया, और सारी बिट्स पे यहाँ पे 1111 प्लेस किया गया है। नाउ अब मुझे इसको रिवर्स कर देना है, तो आंसर मेरे पास में क्या आ गया एक्यूमुलेटर में, 1111111। तो आपको ये पहले बताया जा चुका है कि जो हमारा ये जो है 4 बिट्स, और ये जो हमारी 4 बिट्स हैं, हेक्साडेसिमल में इसको कैपिटल एफ लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में इसको कैपिटल एफ लिखते हैं, तो इट मींस कि जो हमारा रिजल्ट आएगा डेट इज FF इनसाइड द रजिस्टर ए एंड 00 इनसाइड द रजिस्टर बी। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से डेट अवर आंसर विल बी FFH। FF जो बिट है वो दिखाएगी 1111, इसी तरीके से ये 1111, तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा 1111100101। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट में हम HLT कमांड को फायर अप कर देंगे और यहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।